गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकंड, मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो आपका फर्स्ट पेपर है उसको पढ़ा रही हूँ। आज हमारा 21st लेक्चर है, सेकंड यूनिट हम लोगों की चल रही है जिसमें हमने प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर इस यूनिट को स्टार्ट कराया था, जिस पर 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज 3rd लेक्चर है इस यूनिट का और आपका 21st लेक्चर है टोटल। आज का जो टॉपिक है वो है कूलिंग बाय जूल थॉम्सन एक्सपेंशन, जूल थॉम्सन प्रसार द्वारा शीतलन। यह जो आर्टिकल है आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर 90% क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिल सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा या न्यूमेरिकल भी मिल सकता है इस पर आपको। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, चूँकि ये पार्ट हमारा मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इस पर जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में होगा। और लैंग्वेज की बहुत इम्पोर्टेंस होती है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। आपकी जो डेफिनेशन है या स्टेटमेंट है वो आपका एज इट इज़ सही लिखा हुआ होना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जूल थॉम्सन प्रसार द्वारा शीतलन, यानी कूलिंग बाय जूल थॉम्सन एक्सपेंशन। 1852 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसके अंदर न्यून ताप यानी लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने की एक अलग ही विधि ली गई थी। और किस प्रकार से ली गई थी, उसमें कहाँ क्या बताया गया था, पहले है इसका प्रिंसिपल कि किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये एक्सपेरिमेंट। तो सिद्धांत क्या है इसका, व्हेन अ गैस इज़ अलाउड टू एस्केप एडियाबेटिकली थ्रू अ पोरस प्लग फ्रॉम द रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट लो प्रेशर, इट अंडरगोज अ चेंज ऑफ टेम्परेचर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज जूल थॉम्सन इफेक्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज जूल थॉम्सन एक्सपेंशन। The change in temperature depends upon the nature of the gas and the initial temperature. अर्थात जूल थॉम्सन प्रभाव के अनुसार जब किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से सरंध्र डार्ट यानी पोरस प्लग द्वारा निम्न दाब वाले क्षेत्र में रुद्रोष्म प्रसरण द्वारा यानी एडियाबेटिक एक्सपेंशन द्वारा प्रसारित होने दिया जाता है, एक्सपेंड होने दिया जाता है, तो गैस के ताप में परिवर्तन प्रेक्षित होता है यानी उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और यह प्रभाव जूल थॉम्सन प्रभाव कहलाता है। और इस प्रकार के गैसीय प्रसार को जूल थॉम्सन प्रसार कहते हैं। तो ये है आपका प्रिंसिपल जिस पर यह बेस्ड है एक्सपेरिमेंट। तो आपको ये जो स्टेटमेंट है वो आपको एज इट इज़ लिखना है, जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों जब किसी भी गैस को पोरस प्लग में से पास करने पर एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया जाता है तो क्यों उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो उसके बीच का रीज़न है, द गैस ऑन पासिंग थ्रू पोरस प्लग, जब किसी भी गैस को पोरस प्लग से पास कराते हैं तो क्या होता है, अंडर अ लार्ज ड्रॉप ऑफ प्रेशर, प्रेशर जैसे ही कम होता है इट्स मॉलिक्यूल्स गेट फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, उसके जो अणु हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही अणु एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, सो द गैस हैज़ टू डू सम एक्सटर्नल वर्क अगेंस्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, यानी जब अणु एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो गैस के अणुओं के जो बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है यानी आणविक आकर्षण बल है, जो उन आकर्षण बलों के विरुद्ध उनके अगेंस्ट क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। अब क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा एपरेटस है वो कहाँ रखा हुआ है, थर्मली इंसुलेटेड उसमें रखा हुआ है, तो जिससे क्या होगा, वो वर्क कहाँ से आएगा, किसके अगेंस्ट वो जो वर्क होगा वो उसकी पूर्ति कहाँ से होगी, तो ये जो कार्य है वो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी को लाता है। सो दिस वर्क कम फ्रॉम इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस,
सिंस नो हीट इज़ अप्लाइड टू इट, कोई गैस बाहर से कोई गैस हीट आपकी अप्लाई हो ही नहीं रही है, हीट हम कहीं से दे ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा उसकी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर वो वर्क होगा, और जिससे कि क्या होगा इंटरनल एनर्जी चूँकि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है सो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यह कार्य गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी से प्राप्त होता है जिसके परिणाम स्वरूप गैस के ताप में कमी आ जाती है। तो ये है इसके पीछे का रीज़न जिसके कारण किसी भी गैस को का टेम्परेचर कम हो जाता है। ये तो हुआ रीज़न कि जूल थॉमसन प्रसार में शीतलन का कारण क्या था, किस रीज़न से हुआ। अब है नेक्स्ट है इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को हमने इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। चूँकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब जैसा आपको किताब में लिखा हुआ है आपको एज इट इज़ पढ़ना है, इसलिए मैंने इसके कोई फर्दर नोट्स नहीं बनाए हैं, मैं केवल इसको समझा रही हूँ। आप भी किसी भी बुक से इसको कर सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, यहाँ C क्या है, C आपका कंप्रेशर है, ठीक है। यहाँ से गैस को एक्सपेंड कराया जाता है, तो क्या होगा, यहाँ से पहले उसको पिस्टन को दबाया गया जिससे कि उसके प्रेशर को बढ़ा दिया गया, उच्च दाब दे दिया गया। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, जैसे ही उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने पर क्या होगा उसके टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी, टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इस जगह पर एक प्रेशर गेज लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर गेज लगा रखा है। वो प्रेशर गेज यहाँ से पिस्टन से निकलने वाली गैस का, जब ये कंप्रेस्ड गैस यहाँ से निकलती है उसके प्रेशर को मेजर कर लेता है कि उसका प्रेशर कितना है। अब इस जो कंप्रेस्ड गैस है इसको इस स्पायरल ट्यूब से, ये जो M आपकी स्पायरल ट्यूब है, इस स्पायरल ट्यूब में से पास ऑन कराते हैं। अब जैसे इसको पास ऑन कराते हैं, इसके चारों तरफ क्या है, यहाँ पर वाटर है, जिससे कि वो जो एक्स्ट्रा हीट है वो यहाँ निकल जाए और उस गैस का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर यानी इसके पानी के ताप पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर टैंक ये काम करता है कि उसमें से जो गैस जो टेम्परेचर है उसका वो उसको पानी के ताप पर ले आता है। अब यहाँ से जो कंप्रेस्ड गैस है उसको एक बी ट्यूब में, ये आपकी बी ट्यूब है, इस ट्यूब में पास ऑन करते हैं। अब इस बी ट्यूब के अंदर यहाँ पर ये एक पोरस प्लग लगा हुआ है, दिख रहा है आपको बीच में, ये पोरस प्लग है। इस पोरस प्लग को हमने एक वुडन बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, यानी डी ई जो दिखाया गया है ये वुडन बॉक्स है, और उसके चारों तरफ ये एफ जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉटन है, जिससे कि थर्मली इंसुलेटेड रहेगा वो, है ना, यहाँ से कोई हीट ना तो बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी। तो इस प्रकार से इस कंप्रेस्ड गैस को इस पोरस प्लग में से पास ऑन करते हैं और उस पोरस प्लग को एक वुडन बॉक्स के अंदर रखा हुआ है जिसके चारों ओर कॉटन है। अब इसके टेम्परेचर को कि पोरस प्लग में से गुजरने से पहले क्या टेम्परेचर था, पोरस प्लग से निकलने के बाद क्या टेम्परेचर है, इसको नापने के लिए दो थर्मामीटर लगे हुए हैं, T1 और T2, ये दो थर्मामीटर हैं। T1 टेम्परेचर को मेजर करता है पोरस प्लग से निकलने से पहले गैस को, और T2 में गैस का टेम्परेचर मेजर करेगा पोरस प्लग से निकलने के बाद और बाहर। और ऐसे ही प्रेशर जो है, प्रेशर कैसे मेजर होगा, एक प्रेशर हम यहाँ से निकलने से पहले, कंप्रेसर से निकलने से के बाद यहाँ पर एक प्रेशर गेज लगा रखा है जो इस प्रेशर को नाप लेगा कि कितना प्रेशर है, और यहाँ से निकलने के बाद जब यहाँ से बाहर निकलेगी गैस तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आ जाती है। तो इस प्रकार से हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। अब है इस एक्सपेरिमेंट में, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में गैसों का जो व्यवहार है उससे जो रिज़ल्ट हमको प्राप्त हुए हैं वो रिज़ल्ट हमारे क्या हैं। इन रिज़ल्ट्स में से जो सभी रिज़ल्ट्स जो, अच्छा ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत सारी गैसेस पर किया गया है, जैसे एयर पर, नाइट्रोजन पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर, ऑक्सीजन पर, हाइड्रोजन पर, यानी बहुत सारी गैसेस पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और इनसे जो रिज़ल्ट प्राप्त हुए हैं वो रिज़ल्ट क्या थे। अब है सबसे पहला रिज़ल्ट था, सभी जो रियल गैसेस हैं यानी वास्तविक गैसेस हैं वो उनमें हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर सभी गैसेस जो हैं वो कूलिंग इफ़ेक्ट दिखाती हैं। पहली बात तो ये है कि सभी का टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, टेम्परेचर सभी गैसेस का चेंज हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो हीटिंग इफ़ेक्ट दिखाते हैं, बाकी जितनी भी गैसेस हैं वो क्या दिखाती हैं, कूलिंग इफ़ेक्ट दिखाती हैं। दूसरा,
जो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट और दूसरा क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस ऑन द टू साइड्स ऑफ द प्लग, यानी जो जितना प्रेशर के बीच का अंतर होगा दोनों तरफ, गैस के प्रेशर का डिफरेंस जितना होगा उतना ही टेम्परेचर में कमी आएगी। सो निम्न दाबांतर पर गैस का प्रारंभिक दाब बढ़ाने पर शीतलन के मान में कमी आती है। ठीक, दूसरा जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि सभी गैसेस के लिए एक टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होता है। मीन्स टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या है, ये इसको हम आगे जाकर इसको डिराइव भी करेंगे कि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, कि सभी गैसेस के लिए टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होता है। मीन्स गैस का जो इनिशियल टेम्परेचर है यानी जो प्रारंभिक ताप है, यदि इस टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम है तो वो कूलिंग इफेक्ट दिखाएगा, और यदि उसका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ज़्यादा है उसका तो वो हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा। और यही प्रॉब्लम किस में थी, हाइड्रोजन व हीलियम में है। हाइड्रोजन व हीलियम का जो इन टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण वो हीटिंग इफेक्ट दिखाती हैं। अब है नेक्स्ट है वो है जूल थॉमसन प्रसार का थर्मोडायनेमिकल एनालिसिस, यानी थर्मोडायनेमिकल एनालिसिस ऑफ जूल थॉमसन एक्सपेंशन, जूल थॉमसन प्रसार का ऊष्मा गतिकीय विवेचन। अब इस विवेचन को इस डायग्राम के अंदर हमने इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको बच्चों हम एक बहुत इससे पहले वाला जो आर्टिकल था, चैप्टर था, जिसमें हमने मैक्सवेल्स रिलेशंस आपको कराए थे, वहाँ भी ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस के जो एप्लीकेशंस थे वहाँ भी हमने जूल थॉमसन कोफिशेंट निकाला था, और रियल और वंडरवॉल गैस के लिए निकाला था। वहाँ में भी मैंने आपको बताया था कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन के अंदर हमने ये अज्यूम करी थी वहाँ पर कि एंथैल्पी नियत रहती है, और हमने वहाँ पर ये आपसे कहा था कि हम इसको आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे कि एंथैल्पी क्यों कांस्टेंट रहती है जूल थॉमसन एक्सपेंशन में। तो आज हम उसको प्रूव कर रहे हैं कि क्यों एंथैल्पी नियत रहती है। तो सबसे पहले है कि थर्मोडायनेमिकल एनालिसिस ऑफ जूल थॉमसन एक्सपेंशन, इसको हमने इस डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें क्या है, ये सीसी क्या है, एक सिलेंडर है जिसमें दोनों तरफ पिस्टन लगे हुए हैं, ए पिस्टन और बी पिस्टन, ये दो प्रकार के पिस्टन इसके अंदर लगे हुए हैं, और इस पिस्टन के बीच में क्या है, यहाँ पर ये आपके पास पोरस प्लग है। ये क्या है आपका जी, क्या है आपका पोरस प्लग है। अब दोनों तरफ और इस पूरे अपरेटस को हम क्या करते हैं, थर्मली इंसुलेटेड रखते हैं। पोरस प्लग के ये जो पोरस प्लग है, ये पोरस प्लग है आपका, दिस इज पोरस प्लग। पोरस प्लग के इस ओर यानी जिस तरफ ए पिस्टन लगा हुआ है, उस समय गैस का हम मान लेते हैं कि प्रेशर, इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, और पोरस प्लग से निकलने के बाद, बी पिस्टन से निकलने के बाद उसका जो प्रेशर है वो P2 हो जाता है, V2 हो जाता है वॉल्यूम, और टेम्परेचर हो जाता है T2। अब इस एक्सपेंशन में गैस द्वारा जो किया गया कार्य है, W बराबर होता है P2V2, क्योंकि W बराबर क्या होता है हमारे पास, W बराबर क्या होता है PdV। तो हमने क्या कर दिया, dW बराबर हो गया, यानी किया गया कार्य हो गया P2V2 माइनस P1V1। अब चूंकि जूल थॉमसन एक्सपेंशन में जो गैस का एक्सपेंशन है वो एडियाबेटिकली हो रहा है, यानी रुद्रोष्म हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि नो हीट इज़ सप्लाइड टू इट, कोई भी हीट इसको सप्लाई नहीं की जा रही है। इसका अर्थ क्या है, इट मीन्स dQ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कोई हीट नहीं दी जा रही है। यदि कोई हीट नहीं दी जा रही है तो थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम के अनुसार dW प्लस dU इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या dW बराबर हो गया माइनस dU, सो दिस कम्स आउट टू बी dW बराबर हो गया माइनस dU, यानी बराबर हो गया U2 माइनस U1 ना लिख कर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, U1 माइनस U2। ठीक है, ये एक्चुअली क्या था हमारा, ये था हमारा dW इज इक्वल टू माइनस dU। अब यहाँ से dW का मान हमने यहाँ से पुट कर दिया,
कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 16 से यहाँ पर पुट कर दिया, तो u1 माइनस u2 बराबर हो गया p2v2 माइनस p1v1, और 1 वाली टर्म्स को आप एक साइड ले ले जाते हैं, 2 वाली टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं, तो आपके पास क्या आ गया, u1 प्लस p1v1 इज इक्वल टू u2 प्लस p2v2, और u प्लस pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड u प्लस pv क्या होता है, एंथैल्पी। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के अंदर एंथैल्पी नियत रहती है, राइट। अब है यहाँ से हम कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट भी निकालते हैं, और वो रिजल्ट्स क्या हैं कि जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में यदि एफ पी टू वी टू इज़ लेस देन p1v1, यानी यदि p2v2 लेस देन p1v1 होगा तो u1 u2 से छोटा आएगा, अर्थात यहाँ से गैस की आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी, यानी u2 इज़ ग्रेटर देन u1 हो गया, ठीक है। यदि आंतरिक ऊर्जा बढ़ जा रही है इसका मतलब क्या हो गया, उसकी गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी हीटिंग इफेक्ट होगा। इसी तरह से जो दूसरा रिजल्ट हमें मिलेगा यहाँ से वो है p2v2 इज़ ग्रेटर देन p1v1, यानी यदि p2v2 p1v1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, u1 इज़ ग्रेटर देन u2, या u2, या ये कह सकते हैं u2 इज़ लेस देन u1, यानी आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाएगी। अब आंतरिक ऊर्जा में यदि कमी आ रही है तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। तो कूलिंग इफेक्ट के लिए क्या कंडीशन हो गई है बच्चों, p2v2 मस्ट बी ग्रेटर देन p1v1, और हीटिंग इफेक्ट की कंडीशन क्या है, p2v2 इज़ लेस देन p1v1। अब थर्ड है आपका कि यदि ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इफ़ p2v2 इज़ इक्वल टू p1v1, तब क्या होगा, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, u1 इज इक्वल टू u2। यदि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट मीन्स नो चेंज इन टेम्परेचर, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये है आपका। अब है नेक्स्ट है कि इसकी सहायता से हम जूल थॉम्सन कोफिशेंट को कैसे ज्ञात करते हैं। जूल थॉम्सन कोफिशेंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारे पास H था यानी एंथैल्पी आपके पास जो नियत आई थी उसको हम यहाँ पर अवकलित करते हैं यानी डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट करने पर आपके पास क्या आ गया, dH बराबर हो गया d इंटू यू प्लस pv। डिफरेंशिएट कर दिया आपने, dH बराबर हो गया du प्लस pdv प्लस vdp। थर्मोडायनेमिक्स के पहले और दूसरे नियम के अनुसार dq इज इक्वल टू tds विच इज इक्वल टू du प्लस pdv। सो du बराबर tds माइनस pdv, और ds क्या है, s क्या है, एंट्रोपी है जो प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है। ये आर्टिकल मैं आपको पहले करा चुकी हूँ बच्चों, ये डेरिवेशन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। कहाँ किया था हमने, जहाँ हमने मैक्सवेल्स रिलेशंस के एप्लीकेशंस आपको कराए थे, तो सेम डेरिवेशन आपको वहाँ भी हमने कराया था, और यही सेम डेरिवेशन आपका यहाँ है जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में आपको करना है। तो यहाँ से सेम उसी तरह से वही सेम स्टेप हैं आपके। आपने S को मान ले, S को कहा कि P और T का फंक्शन है, यहाँ से हमने टोटल डिफरेंशियल उसका क्या रख दिया, उस dS की वैल्यू को हम यहाँ पर उठा कर यहाँ रख देते हैं। सो dH बराबर ये आ गया आपके पास। यहाँ से हम मैक्सवेल्स के फोर्थ रिलेशन का यूज़ करते हैं, और मैक्सवेल्स का फोर्थ रिलेशन निकालने के बाद हमने dT अपॉन dP जिसे जूल थॉम्सन कोफिशेंट कहते हैं उसको हमने कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 अपॉन CP इंटू टी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कीपिंग कॉन्स्टेंट पी माइनस वी, ये कहलाता है हमारा जूल थॉम्सन कोफिशेंट। तो इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले आप जो पुराना वीडियो है उसको एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा, वहाँ हमने इसको डिटेल में आपको समझाया था। साथ ही हमने वहाँ पर भी आपको ये कराया था कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन कोफिशेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और रियल गैस के लिए किस प्रकार से करते हैं। तो ये रिपीट आर्टिकल है, ये हम उसको वहाँ भी करा चुके हैं, तो आई होप आप लोग अब इसको खुद कर लेंगे, और यदि फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो वो मुझसे बात कर लेगा, मैं उसको समझा दूँगी, हम उसको वापस से रिपीट करवा देंगे इस आर्टिकल को। तो ये है आपका यहाँ पर रियल गैस के लिए और वैन डेर वाल गैस के लिए किस प्रकार से जूल थॉम्सन कोफिशेंट निकालते हैं। तो ये है आपका आर्टिकल, यहीं से हमने वहाँ भी आपको बताया था कि जो टेम्परेचर है इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, और टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन हमने वहाँ भी कैलकुलेट करवाया था आपसे। तो यहाँ पर एक काम और करना है,
अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा आपके पास वो किस प्रकार से आएगा, एग्ज़ाम में जो सवाल आता है आपके पास कि जूल थॉम्सन एक्सपेंशन किसे कहते हैं और इसके द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह परिणाम क्या हैं, तो आपको वहाँ पर क्या लिखना होगा, पहले इसके लिए सबसे पहले इसका जूल थॉम्सन का जो प्रिंसिपल है ये आपको लिखना है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट का डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद उसके रिजल्ट्स लिखेंगे। रिजल्ट्स लिखने के बाद कई बार जूल थॉम्सन कोफिशेंट वो लिखता है क्वेश्चन के अंदर कि जूल थॉम्सन कोफिशेंट डिराइव कीजिए, तो जूल थॉम्सन कोफिशेंट डिराइव करने के बाद डिराइव करेंगे और फिर बस यहीं तक ही छोड़ देंगे। यदि वो रियल गैस और वंडरवॉल गैस के लिए पूछ रहा है अलग से आपसे तब आप निकालेंगे। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ जूल थॉम्सन इफेक्ट, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कूलिंग फॉर वंडरवॉल गैस, तो आपको क्या करना है उस समय रियल का नहीं निकालना है, सिर्फ वंडरवॉल गैस का आपको निकालना है ना, और इस तरह से आप इसको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। साथ ही कई बार इसमें एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन किसे कहते हैं, ये बहुत बार पूछा चुका है शॉर्ट आंसर टाइप में, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है और टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन की सहायता से समझाइए कि हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट कब कब होता है। और इसी तरह से जूल थॉम्सन इफेक्ट का जो कोफिशेंट है वो ज़ीरो आता है आइडियल गैस के लिए। तो ये चार पांच तरह के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं इसके बाद आपको एक शीट दे दूँगी जिस पर आपको क्वेश्चन असाइनमेंट लिख के दे दूँगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इस आर्टिकल में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।